हेलो बच्चा पार्टी आज करेंगे एन एस ओ एस ओ एफ क्लास थ्री की ये सैम्पल पेपर जो अभी रिसेंटली आपने अटैम्प्ट किया था और पता करते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कितने गलत लेट स्टार्ट सो द क्वेश्चन नंबर वन सेलेक्ट द ऑड वन आउट इन चारों ऑप्शन में से ऑड वन आउट हमको हटाना है तो फाइव प्लस फोर इज नाइन सिक्स प्लस थ्री इज नाइन एट प्लस वन इज नाइन सेवन प्लस फोर इज इलेवन तो ये वाला जो है वो ऑड वन आउट है क्वेश्चन नंबर टू सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सो दैट द लेटर्स आर अरेन्ज अकॉर्डिंगली टू फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड यहां पे ये सारे हमको लेटर्स दिए ना इनके अकॉर्डिंग हमको एक वर्ड बनाना है तो इससे क्या वर्ड बन सकता है W O R L D वर्ल्ड ही बन सकता है W इज थ्री O इज वन R इज फाइव L इज फोर एंड D इज टू तो थ्री वन फाइव फोर टू विच इज ऑप्शन बी कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ मैनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वन रिंग वन हेयर बैंड ईच कैन बी फॉर्म फ्रॉम गिवन रिंग्स एंड हेयर बैंड यहाँ पर तीन रिंग दिए हैं तीन हेयर बैंड दिए हैं कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इस तरीके का क्वेश्चन जब होता है ना आप उसको लिख लिया करो तो आपके पास तीन रिंग है आर वन आर टू आर थ्री और आपके पास तीन हेयर बैंड है एच वन एच टू एच थ्री तो एक के साथ आप तीन कॉम्बिनेशन बना पाओगे फर्स्ट रिंग के तीन कॉम्बिनेशन हो गए सेकेंड रिंग के भी तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे एंड थर्ड रिंग के भी तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे तो थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री टोटल नाइन कॉम्बिनेशन बनेंगे विच इज ऑप्शन बी आपने ये टिक किया था नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन फिगर मैट्रिक्स यहां पे हमको ये फिगर दी है इसमें से क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा अब आप ऊपर की फिगर में देखो यहां पे ट्राइंगल है ये भी ट्राइंगल है ये भी ट्राइंगल है और ये पेंटागन है ये पेंटागन है तो यहां पे क्या आएगा पेंटागन आएगा ना इनमें से कौन सा पेंटागन है ये वाला नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज मिसिंग इन द गिवन फिगर इस फिगर में कौन सी शेप मिसिंग है आपको इसमें रेक्टेंगल नजर आ रहा है हाँ ये स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल भी होता है आपको इसमें सर्कल नजर आ रहा है ये रहा ये रहा स्क्वायर नजर आ रहा है हाँ दो दो नज़र आ रहे हैं ट्राइंगल है ट्राइंगल नहीं है तो ट्राइंगल को टिक करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट पार्ट दे आर ऑप्टेन फ्रॉम कौन से प्लांट पार्ट से हमको क्या चीज़ मिलती है उसके बेसिस पे हमको ऑड वन आउट को हटाना है तो देखो यहाँ पे टी कॉफी राइस ग्रीन ग्राम तो टी जो होती है वो लीव्स होती है और ये नट की फॉर्म में होता है ये ग्रेन है ये भी ग्रेन है टी जो है वो एक ऑड वन है बिकॉज वो लीव्स है क्वेश्चन नंबर सेवन हाउ मेनी फार्म एनिमल कैन यू फाइंड इन द गिवन बॉक्स इस बॉक्स में आपको एनिमल्स के नाम दिए हैं इनमें से फार्म में जिनको भी हम पालते हैं उन एनिमल्स को बताना है नंबर्स वन जिराफ को नहीं करते काऊ को करते हैं शीप को करते हैं लॉइन को नहीं रखते हैंड को रखते हैं कैट को नहीं रखते हॉर्स को रखते हैं वल्चर को नहीं रखते डक को रखते हैं तो काव शीप हैंड डॉग एंड हर्स टोटल नंबर फाइव ऑप्शन बी अमायरा सो एक्स एंट्रिंग इन टू अ बरो हेयर एक्स कैन बी बरो में कौन रहता है बरो में जो जानवर रहता है उसको हम बोलते हैं रैबिट तो रैबिट पे टिक करेंगे ऑप्शन बी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय रिब केज हमारी बॉडी में जो रिब केज होती है उससे कौन सा बॉडी ऑर्गन प्रोटेक्ट नहीं होता ब्रेन ब्रेन जो है वो तो स्कल से प्रोटेक्टेड होता है हेड में स्कल होता है एट द टॉप ऑफ फूड पिरामिड फॉर अ बैलेंस डाइट यू विल फाइंड वॉट अगर हमको यहाँ पे एक फूड पिरामिड बनाना है पिरामिड इस तरह से होता है तो सबसे ज़्यादा हमको क्या खाना चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फिर सीरियल्स एंड ग्रेन्स फिर मीट एंड एग और सबसे कम क्या खाना चाहिए तो टॉप पे क्या आएगा ऑयल एंड सॉल्ट ऑयल एंड सॉल्ट विल बी ऑन द टॉप नेक्स्ट क्वेश्चन द हाउस विद द टाइप ऑफ रूफ एज शोन इन द गिवन पिक्चर आर मोस्टली फाइंड इन द एरियाज विद डैश इस तरह के स्लोपिंग रूफ वाले हाउस कहाँ पे पाए जाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है ना वहां पे स्लोपी रूफ वाले हाउस पाए जाते हैं नेक्स्ट चिल्ड्रेन कैन शो देयर लव एंड रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स बाय

क्या नाम बन रहा है इनसे इनसे बन रहा है अर्थवॉर्म अब अर्थवॉर्म के पास क्या क्वालिटी होती है कि वो मिट्टी को भी स्वेलो कर जाता है ऑप्शन डी केटूवलम्स आर टेम्परेरी हाउस दैट लुक लाइक केटूवलम्स क्या होते हैं पता है आपको हाउस बोट यूज इन केरला तो इसमें से हाउस बोट जैसा स्ट्रक्चर आपको किसका दिख रहा है इसका है ना ऑप्शन बी इन्फॉर्मेशन इन प्रिंटेड फॉर्म कैन बी प्रोवाइडेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम थ्रू डैश इन मेनी लैंग्वेजेस ऑल ऑफ दीज सेलेक्ट द मेजर फोर्स दैट द गर्ल्स एक्स एंड वाई इन द गिवन पिक्चर नीड टू ओवरकम टू कैरी देयर ग्रोसरीज इसको देखो ये ट्रोली में लेके जा रही है और ये हैंड में लेके जा रही है गर्ल ठीक है तो इसमें कौन सी फ्रोर्स लग रही है इस वाले में जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स इज जनरेटेड बाई टू सरफेस वेन दे स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर ठीक है और यहां पे लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हर चीज को अपनी तरफ खींचती है अर्थ अर्थ की नेचुरल फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्स तो है फ्रिक्शन फोर्स और वाई है ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑप्शन बी नाउ सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट वेली गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स यस प्लेट्यूज टेबल लैंड यूजली रॉकी हांचे आईलैंड अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वॉटर ऑन थ्री साइड्स ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है हिल प्लेस वेयर नेचुरली रेज्ड लैंड अब आइलैंड क्या होता है आईलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वॉटर चारों तरफ पानी होता है ये आईलैंड है इसके चारों तरफ आपको पानी पानी होगा और यहाँ पर लिखा है थ्री साइड नो ऑल साइड सो दिस वन इज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पिक्चर ऑफ लीफ विद इट्स पार्ट लेबल डब्ल्यू एक्स वाई जी आर शोन सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई दार्ट अब यहाँ पे हमको एक लीफ का पार्ट दिया है और उसमें हमको इमेजेस दिए हैं मैं आपको एक लीफ बना के दिखाती हूँ तो ये हो गई एक लीफ और लीफ का जो बाहर का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं मार्जिन ठीक है बाहर वाली जो लाइन होती है क्या बोलते हैं इसको मार्जिन और लीफ के जो पीछे जो डंडी होती है इसको बोलते हैं स्टॉक और ये जो बीच वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं मिड रिब या मिड वीन ऑल राइट तो अब यहां पे देखो W को इन्होंने बोला है लेमिना W तो स्टॉक है ना एक्स को इन्होंने बोला है मार्जिन एक्स तो वीन है ये तो अंदर वाली ये चीज है ये वीन्स है X को इन्होंने मार्जिन बोला है रॉन्ग है Why, को इन्होंने बोला है मेन वीन जो अंदर वाली लाइन है ना उसको इन्होंने बोला है मेन वीन उसको हम मिडरेब और मेन वीन दोनों बोलते हैं तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन स्टेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स स्टोर फूड एंड इट्स एडेबल बी सी और डी बी रूट वाला है सी ये भी रूट होता है और डी जो है ये तो पेड़ पे ऊपर लगता है फ्रूट है स्टेम क्या होता है जस्ट अब द ग्राउंड जो होता है शुगर के इन को हम खाते हैं एंड इट इज अ स्टेम ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी रिफर टू द गि रिलेशनशिप एंड सेलेक्ट दिन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज पी ल्यूमिनस स्टार जो चीज चमकती है उसको हम स्टार उसको हम ल्यूमिनस बोलते हैं जो नहीं चमकती है उसको उन्होंने पी बोला है तो आपको बताना है जिसमें लाइट नहीं होती जो चीज चमकती नहीं है वो क्या है टॉर्च में तो लाइट होती है ना कैंडल से भी रोशनी होती है सन से भी होती है किससे नहीं होती नॉन ल्यूमिनस कौन हुआ स्वेटर स्वेटर में नहीं होती नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन सेलेक्ट द ऑप्शन विथ ऑन अनस्क्रैम्बलिंग गिव इन द गिव्स द नेम ऑफ अ रॉक कॉमनली यूज इन मेकिंग स्टैचू अब इसमें से हमको निकालना है स्टैचू वाला कौन सा रॉक होता है यह है चौक चौक से तो हम स्टैचू नहीं बना सकते चौक तो सॉफ्ट रॉक है कोल कोल से भी नहीं बनता ये इसको स्क्रैम्बल करो ये क्या बन रहा है मार्बल बन रहा है ये एंड मार्बल से हम स्टैचूज बनाते हैं देखा होगा ना आपने मार्बल से स्टैचूज बनते हैं नेक्स्ट आइडेंटिफाई द बर्ड बाय लुकिंग एट इट्स बीक एक्स एज शोन इन द गिवन पिक्चर एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द टाइप ऑफ फीड दिस बर्ड हैज आपने ऐसी वाली बर्ड देखी है कौन सी होती है जनरली ईगल ये बर्ड्स ऐसी होती हैं और इनके लेग्स को हम बोलते हैं टैलॉन्स और टैलॉन्स वाले लेग इस तरह से होते हैं विच इज ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री सेलेक्ट द पेयर विच कंटेन फूड आइटम मेड बाय द सेम कुकिंग मेथड अब इधर देखो मोमोज को तो स्टीम करते हैं पिज्जा को तो ओवन में बनाते हैं तो ये तो नहीं होने वाला ढोकला भी स्टीम होता है पकोड़ा ऑयल फ्राई होते हैं ये भी नहीं है रोटी को हम तवे पे बनाते हैं दाल को हम कुकर में बनाते हैं ये भी नहीं है पूड़ी और समोसा दोनों डीप फ्राई होते हैं ऑप्शन ए सुमित टूक कंटेनर विद वॉल्यूम टू थाउजेंड क्यूबिक सेंटीमीटर एंड पम्प 500 हंड्रेड क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एयर इन टू इट नाउ वॉट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द कंटेनर सुमित ने एक कंटेनर लिया ये कंटेनर है और इसकी कैपेसिटी है टू सेंटीमीटर क्यूब अब इसके अंदर उसने फाइव सेंटीमीटर क्यूब एयर डाल दी तो बताओ अब वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो गया ते क्या होता है एयर जो होती है ना जहाँ भी होती है वो सब जगह फैल जाती है तो यहाँ पे जैसे ही उसने एयर 500 इसमें डाली उसने पूरे कंटेनर में फैल गई ऐसा तो नहीं है कि एक जगह कोने में जाके एयर इकट्ठी हो जाएगी नहीं एयर तो होती है वो पूरे में फैल जाती है तो पूरा जो उसकी कैपेसिटी थी मैक्सिमम उतना वॉल्यूम एयर ने ऑक्युपाई किया होगा विच इज टू सेंटीमीटर क्यूब डैश सेल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्लंबर तो नहीं बेचता ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बार बार भी नहीं करता हेयर कट करता है मैसन कंस्ट्रक्शन का काम करता है और प्लम्बर पानी का काम करता है ग्रीन ग्रोसर वेजिटेबल्स बेचता है सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट अब यहाँ पे देखो ये 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 ए बी सी ये तीनों की तीनों पटरी पे चलती हैं दीज आर रेलवेज और ये रोड पे चलता है ये रोडवेज है तो इसको टिक करेंगे दिस वन इज वन आउट नेक्स्ट रीड द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक एक्स इज अ मीन्स ऑफ डैश कम्युनिकेशन कॉल डैश अब यहाँ पे हमको एक फिगर दिया है इसको देखो कि ये किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वर्बल बोल रहे हैं भाव वर्बल ब्रेल नहीं वर्बल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहा है ये नॉन वर्बल है नॉन वर्बल में ब्रेल जो है वो एक लैंग्वेज होती है इट्स अ स्क्रिप्ट जबकि मुद्रा जो होती है वो हैंड के मूवमेंट्स हैंड के जेस्टर्स जैसे हम ये मुद्रा करते हैं तो यहां पे भी कोई मुद्रा शो की गई है नॉन वर्बल मुद्रा स्ट्राइक आउट एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द नेम ऑफ अ ट्यूब दैट कैरीज यूरिन टू यूरेनरी ब्लैडर हमको फर्स्ट लेटर को स्ट्राइक करना है सेकेंड को नहीं इस तरीके से स्ट्राइक करो एक छोड़ा एक किया एक छोड़ा एक किया एक छोड़ा एक ऐसे 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 तो यहां से निकल के आ गया किडनी अब इसको देखो यहां से क्या निकल के आ रहा है यूरेटर्स यहां से क्या निकल के आ रहा है एस टी ओ एम ए सी एच स्टमक और यहां से निकल रहा है एस के आई एन स्किन तो यूरिन को यूरेनरी ब्लैडर तक यूरेटर लेके जाता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट डैश इज द कॉन्स्टलेशन दैट रिजेंबल्स अ हंटर हंटर वाला कॉन्स्टलेशन कौन सा होता है ओरियन ऑप्शन सी जया फिल्ड सम वॉटर इन अ पॉट एंड ओवर द स्टोव टू बॉइल इट बट फॉर गॉट टू टर्न ऑफ द स्टोव फ्टर टाइम शी सो दॉजी दिस ने पानी रखा स्टोव पे सारा पानी गायब हो गया थोड़ी देर के बाद तो इससे क्या पता चलता है कौन सा प्रोसेस है पानी गायब हो गया भाप बन के उड़ गया ड्यू टू हीट इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन सो ऑप्शन सी नाउ अचीवर सेक्शन में आ गए हम सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली अरेंज द कंटेनर पी क्यू आर एस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड इन देम। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा हमको करना है और इनकी कैपेसिटी लिख लो पहले आप इसमें है 150 फिफ्टी इसमें भी है 150 फिफ्टी इसमें है 8 एम और इसमें है 50 एम अब तो बहुत इजी है इसको असेंडिंग ऑर्डर में बनाना सबसे पहले R आ जाएगा फिर R से बड़ा हो जाएगा S, फिर एस से बड़ा हो जाएगा क्यू और क्यू के इक्वल है पी क्योंकि इन दोनों में 150 है पी इक्वल टू पी ये आ गया ना ऑप्शन सी ठीक है नाउ रेफर टू द गि वर्ड ग्रेड एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आंसर ए एंड बी नेम्स ऑफ हाउ मेनी सीजन आर हिडन इन द वर्ड ग्रेड नेम्स ऑफ हाउ मेनी हार्ड रॉक्स आर हिडन इन द वर्ड ग्रेड अब इधर वर्ड ग्रेड दिए सबसे पहले हमको इसमें सीजन और रॉक्स के नेम ढूंढने हैं पहले सीजन ढूंढते हैं तो मुझे एक तो बड़ी जल्दी मिल गया ऑटोमन ऑटोमन और स्प्रिंग भी दिख गया स्प्रिंग ये गलती मत करना विंडी कोई सीजन नहीं होता विंड सिर्फ हवा होती है ठीक है तो दो सीजन् तो मुझे मिल गए और अब सीजन तो इसमें नहीं है रॉक्स में इजी है मार्बल मिल गया रॉक्स में और क्या है ग्रेनाइट मिल गया तो दो हमको रॉक मिले हैं और दो हमको सीजन मिले हैं टू एंड टू ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइम टेकन बाय द सेम बॉल टू स्टॉप व्हेन रोल्ड विद द सेम फोर्स ऑन थ्री डिफरेंट सर्फेसिज एक्स वाई एंड जी इज प्लॉटेड इन द गिवन ग्राफ व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट कितना टाइम लगता है एक बॉल को इस सर्फेस पे वो हमको इस चार्ट में दिया हुआ है नंबर वन इज सेम वाई इज स्मूथेस्ट वाई अगर स्मूदेस्ट होता तो उसमें बॉल तो बहुत लंबे टाइम तक जाती इसमें तो सबसे कम टाइम तक गई है तो ये तो नहीं है जेड इज रफेस्ट जेड बोल रहे हैं रफ है जेड अगर सबसे रफ होता तो इसका टाइम सबसे कम होना चाहिए था बट ये तो मीडियम टाइम है तो ये भी नहीं है सरफेस एक्स हैज लोएस्ट फ्रिक्शनल फोर्स एक्स का फ्रिक्शनल फोर्स सबसे कम है ये करेक्ट है क्योंकि एक्स में सबसे ज्यादा डिस्टेंस बॉल ने कवर किया है और इसका फ्रिक्शन फोर्स सबसे कम है फ्रिक्शन फोर्स मैंने अभी आपको बताया था ना फ्रिक्शन फोर्स इज जनरेटेड बाई टू सर्फेस एंड वेन सर्फेस वेन दे स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर तो जब क्या होता है जब किसी का सरफेस स्मूथ होगा या वहां पर फ्रिक्शन फोर्स कम होगी ना तो वो चीज़ वहाँ पे जम ज्यादा फिसल जाएगी लंबी चली जाएगी जैसे रेनी सीजन में हमारा फ्रिक्शन फोर्स कम होता है तो हम रेनी सीजन में स्लिप हो जाते हैं ना सेम लॉजिक हेयर ऑप्शन सी नाउ रेफर टू द given पिक्चर ऑफ अ ह्यूमन respiratory सिस्टम एंड सेलेक्ट the करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेबल्ड पार्ट पी क्यू एंड आर यहाँ पे हमको लेबल पार्ट दिए हैं आर दिया है नोज पी दिया है विंड पाइप एंड क्यू दिया है लंग्स अब हमको बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है आर कंटेन मस्कस एंड हेयर टू फिल्टर आउट द डस्ट फ्रॉम दी इनहेल्ड हेयर हमारी नोज के अंदर मस्कस और हेयर होते हैं ताकि जो डस्ट होती है ना एयर में जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन अंदर लेते हैं अपनी बॉडी में तो उसको वो फिल्टर आउट करें एंड दिस इज द राइट आंसर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर रेफर टू द गिवन मैप ऑफ अ लोकेलिटी एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट यहाँ पर हमें मैप दिया है एक गर्ल दी है माही प्लस मतलब हॉस्पिटल का साइन है यहाँ पे ब्रिज का साइन है यहाँ पे डाइनिंग मतलब रेस्टोरेंट है यहाँ पे प्लेन मतलब एरोप्लेन एयरपोर्ट होगा और यहाँ पे पानी दिखाया तो रिवर होगी ठीक है अब हमको बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है और देखो यहां पे हमको मैप में भी दिया है यहां पे नॉर्थ है तो नॉर्थ के ऑपोजिट होता है साउथ ये होता है ईस्ट ये होता है वेस्ट ठीक है माही विल गो टूवर्ड्स ईस्ट माही अगर ईस्ट की तरफ जाएगी एंड देन नॉर्थ और फिर नॉर्थ की तरफ जाएगी देन वेस्ट टू रीच द हॉस्पिटल नहीं यहाँ तो कोई ऐसा रास्ता ही नहीं है इसके आगे इधर जाने के लिए नेक्स्ट देर इज अ रिवर टू द ईस्ट ऑफ द एयरपोर्ट एयरपोर्ट के ईस्ट साइड में रिवर है हाँ दिख तो रही है मुझे ईस्ट ही है ना देखो यहां से ईस्ट इधर से ईस्ट इफ माही नीड टू गो टू रेस्टोरेंट शी विल है माही को अगर रेस्टोरेंट जाना है तो उसको रिवर क्रॉस करके थोड़ी जाना होगा वो तो यहां से जा सकती है सीधे तो यह भी गलत है देर इज ओनली वन रूट फॉर माही टू रीच द एयरपोर्ट एयरपोर्ट जाने के लिए माही के पास सिर्फ एक ही रास्ता है ये हो गया एक रास्ता और ये हो गए दो रास्ते तो ये भी गलत है एंड देयर इज़ अ रिवर टू द ईस्ट ऑफ द एयरपोर्ट ये करेक्ट है तो हमारा पूरा 35 फाइव क्वेश्चन का नेशनल साइंस ओलंपियाड कंप्लीट हो गया एंड आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको पता भी चल गया होगा आपने कितने क्वेश्चन सही करें हैं गलत करे हैं एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड फाउंड द वीडियो यूजफुल लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय